नमस्कार, मैं भव्या कौशिक, BJMC सेकेंड सेमेस्टर की छात्रा, आज आप सभी का बोझ रेडियो में स्वागत करती हूँ। आज का हमारा विषय है ऋषिकेश मुखर्जी। ऋषिकेश मुखर्जी का जन्म 30 सितंबर 1922 को कोलकाता में हुआ था, वहीं 27 अगस्त 2006 को मुंबई में उनका निधन हो गया। 1957 में मुसाफिर फिल्म से उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की। फिल्म में दिलीप कुमार और किशोर कुमार लीड रोल में थे। वहीं बहुत कम लोगों को ही ये बात पता होगी कि उन्होंने 1998 में झूठ बोले कौवा काटे नाम से एक फिल्म बनाई थी। इस फिल्म की कास्ट में अनिल कपूर और जूही चावला थे। यही फिल्म उनके करियर की आखिरी फिल्म रही। फिल्में बनाने को लेकर उनका डेडिकेशन उन्हें बेहद खास बनाता था। ऋषिकेश मुखर्जी की पुण्यतिथि पर बता रहे हैं उनके द्वारा बनाई गई कुछ खास फिल्में। आइए बात करते हैं पहली फिल्म मुसाफिर। उनकी पहली ही फिल्म थी मुसाफिर और उतनी ही खास भी थी। इस फिल्म में उन्होंने कई अलग अलग कहानियों को लेकर फिल्म बनाई थी। फिल्म को पार्ट्स में बनाया गया था। कमाल के थॉट प्रोसेस के साथ बनी इस फिल्म में किशोर कुमार, सुचित्रा सेन और दिलीप कुमार लीड रोल में थे। ऋषि दा की पहली फिल्म ऐसी थी कि इस किस्म की फिल्म उस समय तक बॉलीवुड में पहले कभी नहीं बनी थी। दूसरी फिल्म आशीर्वाद। आशीर्वाद फिल्म को ऋषि दा ने दादा मुनि यानी अशोक कुमार के करियर की सबसे बेहतरीन फिल्म बना दी। अशोक कुमार का कैरेक्टर अपने आप में एक ऐसे इंसान की दास्तां बयां करता है जो कला से परिपूर्ण होता है और आत्मिक रूप से आध्यात्मिक, मगर हालात की मार के कारण उसे अपने जीवन का अधिकांश समय जेल में बिताना पड़ता है। फिल्म में अशोक कुमार की जर्नी वाकई किसी के भी आंखों में आंसू ला सकती थी। तीसरी फिल्म सत्यकाम। धर्मेंद्र, शर्मिला टैगोर और संजीव कुमार के अभिनय से सजी ये फिल्म क्लासिक फिल्मों में गिनी जाती है। फिल्म में रिश्तों के अलग अलग शेड्स दिखाए गए हैं जो वक्त वक्त में आपको काफ़ी इमोशनल कर देते हैं। धर्मेंद्र ने इस फिल्म में कमाल की एक्टिंग की थी। चौथी फिल्म आनंद। इस फिल्म को भला कौन भूल सकता है। यही वो फिल्म थी जिसने राजेश खन्ना को सुपरस्टार बना दिया। फिल्म में उनका हंसता खेलता किरदार सभी का दिल मोह लेने में कामयाब होता है। साथ ही इसी फिल्म ने सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के करियर की नींव भी रखी थी। फिल्म टाइमलेस है और आज की जनरेशन में भी इसके डायलॉग्स काफ़ी मशहूर हैं। पांचवी फिल्म गुड्डी। बड़े ही रेयर विषय पर ऋषि दा ने यह फिल्म बनाई थी। शायद ऋषि दा के अलावा ऐसे मुद्दे पर फिल्म बनाने की कोई सोच भी नहीं सकता और इतनी खूबसूरत तो बनाने से रहा। ऋषि दा ने काफ़ी पहले ही दर्शकों को बता दिया था कि सच कितना अलग होता है। इंसान कई दफ़ा अपने ख्यालों में इतना लीन हो जाता है कि उसे वही सच्चाई लगने लग जाती है। असल जीवन नहीं और असल जीवन कितना अलग है, नादान गुड्डी के दृष्टिकोण से यह ऋषि दा ने इस फिल्म में समझाया था। छठी फिल्म बावर्ची। यह फिल्म घर परिवार के किस्से कहानियों का दर्पण थी। कैसे छोटी छोटी बातों पर हम एक दूसरे से मुंह फुलाकर बैठ जाते हैं और रिश्तों के वास्तविक सौंदर्य की अनदेखी कर देते हैं, मगर वक्त जानता है उसे रिश्तों की अहमियत कब और कैसे समझानी है। वहीं राजेश खन्ना के किरदार को गढ़ना भी इतना आसान नहीं। एक नौकर उसे हालात ने बनाया है या वो खुदा का भेजा हुआ एक मसीहा है जो घर घर नौकर बनकर पहुंचता है और छुटपुट मन मुटाव, द्वेष, ईर्ष्या जैसे गंदगियों को प्यार में तब्दील कर निकल जाता है। निरंतर रहने के लिए खोजने कोई और मकान जहां प्यार की कमी हो और जरूरत भी। आइए बात करते हैं आज की आखिरी फिल्म के बारे में, अर्जुन पंडित।
संजीव कुमार ने इस फिल्म में अर्जुन पंडित का लीड रोल प्ले किया। फिल्म का किरदार इतना स्ट्रॉन्ग था कि इसे प्रभावित हुए बिना रहा ही नहीं जा सकता। संजीव कुमार ने काफी परफेक्शन के साथ इस रोल को प्ले किया। एक चिड़चिड़े, अकड़ू और पत्थर दिल इंसान से वह कैसे एक ऐसे इंसान में बदल जाते हैं जो ज्ञान के महासागर में गोते लगा रहा है और एक मामूली नौकर होने के बाद भी लोगों को प्राक्षमीय बनाने का पूरी जिम्मेदारी के साथ कर रहे हैं। अर्जुन पंडित को यह बदलाव दिल को छू लेने वाला लगा। धन्यवाद। ये था हमारा आज का पॉडकास्ट। ऐसे ही और दिलचस्प पॉडकास्ट के लिए हमारे साथ बने रहिए। मुझे सुनने के लिए आपका शुक्रिया।